you be strong to hold the powers of the sun. Hey guys, जब से हमने God of War 2018 में थॉर को एंडिंग में देखा है एंड उसका म्यूनर देखा है, तब से हमें यही लग रहा है क्या क्रेटोस इसे डिफीट कर पाएगा, एंड साथ ही साथ ये भी लग रहा है क्या क्रेटोस इसका म्यूनर उठा पाएगा। क्योंकि यार गॉड ऑफ वॉर जो सीरीज़ है उसमें एक रीति रिवाज की तरह एक है एक रिवाज कि उसमें हमें हर गेम में न्यू वेपन देखने को मिलता है, यानी कि हर गेम में न्यू वेपन देखने को मिलते हैं एंड पावर्स। तो क्या हमें गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक में थॉर का म्यूनर चलाने को मिलेगा, तो बात करते हैं इसके बारे में। अगर मिल गया तो क्या क्रेटोस उठा पाएंगे इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम, कई लोगों को एक क्यों लग रहा है क्रेटोस म्यूनियर नहीं उठा पाएगा, यहाँ तक कि मैंने तो कई लोगों को ये भी कमेंट करते हुए देखा है कई चैनल्स पे कि क्रेटोस वर्दी है नहीं एंड ना ही वो म्यूनियर उठा सकता है, कई लोग बोल रहे का उठा सकता है। तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्रेटोस वर्दी है एंड उठा पाएगा। तो क्रेटोस वर्दी है एंड उठा सकता है। अब कई लोग बोलेंगे भाई तुझे कैसे पता, तो भाई क्योंकि जो लोग बोल रहे हैं ना कि क्रेटोस नहीं उठा सकता म्यूनर, उन्होंने सिर्फ मार्वल मूवीज ही देखी है, उन्होंने गॉड ऑफ वॉर कभी खेली नहीं है, सच बताता हूँ मैं। क्यों? क्योंकि जिस बंदे को जिस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है ना, वो ऐसे ही भोंक देता है बस सिर्फ एक चीज़ को देखने के बाद। अगर मान लो किसी को गॉड ऑफ वॉर मतलब गॉड ऑफ वॉर के बारे में कोई भी घंटा नॉलेज नहीं है, तो वो क्या करेगा, मार्वल मूवीज़ में जो थॉर को देखा है वो ही वहाँ पे थॉर को ला देगा एंड सोचेगा कि यार हल्क तो इतना पावरफुल था वो तो उठा नहीं पाया म्यूनर, तो क्रेटोस कैसे उठा लेगा। तो गाइस इसमें थॉर अलग है और क्रेटोस यहाँ पे म्यूनर उठा सकता है। क्यों? अब मैं आपको बताता हूँ, मार्वल वाला थॉर के बारे में बात करते हैं। मार्वल वाला थॉर वेल ग्रूम्ड है और साथ ही साथ जो मार्वल वाला थॉर है ठीक है, वो म्यूनर जो यूज़ करता है ना म्यूनर, उसका आप डिज़ाइन देखो म्यूनर का, वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। उसकी जो उसमें शॉक वेव आती है वो बिल्कुल अलग है। वो जो थॉर है उसका पूरी पूरा बिहेवियर ठीक है, और उसका कैरेक्टर डिज़ाइन, उसका सारा का सारा जो जो भी चीज़ है वो सब अलग है, यहाँ तक उसकी स्टोरी भी अलग है। और जहाँ बात करें गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक में, उसमें सारा कुछ थॉर अलग है, उसका बिहेवियर अलग है, वो एक बुरा बंदा है, अगली मैन है एंड यहाँ तक कि हेयर कलर भी दोनों का मैच नहीं करता। जहाँ मार्वल वाले का ब्लॉन्ड कलर का है तो गॉड ऑफ वॉर वाले का रेड कलर का है, एंड जहाँ हमारे मार्वल वाले थॉर की आइज़ आपको थोड़ी अलग देखने को मिलती है, तो वहाँ पे हमारे गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक में जो थॉर है उसकी एकदम ब्लू देखने को मिलती है, एकदम ब्लू सारी जैसे लाइटनिंग चमकती है, एंड यहाँ तक कि कपड़े भी चेंज, यहाँ तक कि म्यूनियर भी चेंज आप देख सकते हैं। जहाँ मार्वल एंड थॉर के पास जो म्यूनियर है एकदम स्पार्ट है, एकदम मैटी फिनिश है, जहाँ पर हमें जो गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक का थॉर के पास म्यूनियर है उसमें आपको कई तरह के कुछ लिखे हुए देखने को मिलेंगे, कई डिज़ाइन देखने को मिलेंगे, यहाँ तक कि उसका सारा डिज़ाइन अलग है, वो म्यूनियर अलग है, वो थोड़ा सा ऐसा मतलब मैटी फिनिश नहीं है उस पर ठीक है, एंड थोड़ा सा कार्वड भी है वो ठीक है। जहाँ ये एकदम सपाट है तो आप सोच सकते हो इसकी पावर्स भी अलग हो सकती हैं, एंड इस पर जो वर्दी वाला अटैक है वो भी मे बी ना हो एंड कोई भी इसे उठा ले। अब मैं आपको बताता हूँ क्रेटोस ऐसे उठा सकता है, इसका मैं आपको पूरा का पूरा प्रूफ देने वाला हूँ। तो चलिए बात करते हैं किस प्रूफ की। गाइस अगर आपने गॉड ऑफ वॉर 2018 सारी खेली है, इसकी बुक्स भी पढ़ी है, इसकी नॉवल्स भी पढ़े हैं एंड गॉड ऑफ वॉर की ऑफिशियल वेबसाइट पे और भी थ्योरीज पढ़ी है, रेडिट कोवरा ठीक है, कोवरा उरा जो भी होते हैं, मैं जो कोवरा हूँ वो चलाता हूँ मैं ठीक है कोवरा, तो मुझे वहाँ पर मैंने कई थ्योरीज पढ़ी है, तो मुझे पता है यार गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक का जो थॉर है ना वो क्या था ना, मार्केट में जा रहा था एक बार ठीक है, स्टोरी सुनाता हूँ इसकी, मार्केट में जा रहा था और पूरे थोड़ा सा नशा किया हुआ था इसने, तो कोई चोर आया, ह्यूमन चोर था, ह्यूमन आया भाग कर, उठा के इसका ले गया म्यूनियर। तो जब वो चोर उठा के लेके जा सकता है तो क्रेटोस इतना बड़ा गॉड है, इतनी ज़्यादा पावर उसमें, वो क्यों नहीं उठा सकता। तो आपको प्रूफ मिल गया, कैसी लगी वीडियो, इसके लिए म्यूनियर उठाए एंड सब्सक्राइब बटन को म्यूनियर से फोड़ दे एंड बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दे, नहीं तो वीडियो नहीं पहुँचेंगे आपके तक। एंड अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक वाले पे दो बार लाइटनिंग मारें।
ताकि वो दो बार डिसलाइक बन जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।